इंटरेस्ट की वजह से मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मेरी पेंटिंग के लिए या आपको सिखाने के लिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं यूज़ करती हूँ फेविक्रिल के सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि फेविक्रिल की कंपनी और उसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं एंड बहुत अच्छे यूज़फुल है, जो बहुत दिन तक वो चलते रहते हैं। इसीलिए मुझे यही कलर्स यूज़ करना अच्छा लगता है एंड मैं फेविक्रिल कंपनी की आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट टीचर हूँ। तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देखे हैं खुद, तो मुझे वो बहुत काफ़ी अच्छे भी लगे हैं एंड यूज़फुल भी लगे हैं। सो इसीलिए मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। ओके, हम पहले से स्टार्ट करते हैं फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स को लेके। यहाँ 10 शेड्स रहते हैं फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स में, जिसमें ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, वाइट, ऐसे सारे कलर्स जो बेसिक कलर्स हैं वो सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। एंड ये सारे कलर्स छोड़ के भी इतने सारे उनके रेंज है कलर्स के और शेड के। सो आप कौन से भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेसिक पैक 10 शेड्स का आता है। जैसे कि मैं ये कलर्स छोड़ के भी, जैसे मुझे ये कलर्स चाहिए थे तो मैंने ये भी डिफरेंट कलर्स ले लिए हैं। जैसे कि ये स्किन कलर है, तो ये भी मुझे बहुत सारी पेंटिंग में काम आता है। दूसरा हम देखेंगे फेविक्रिल फैब्रिक कलर्स। फैब्रिक कलर्स में भी 10 बेसिक शेड्स है, जैसे एक्रेलिक कलर में है, बट उसे छोड़ के भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है। ये फैब्रिक कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ये फैब्रिक पे ही यूज़ करना है। इससे क्या होता है, फैब्रिक पे जब हम कलर यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, वो अच्छे से फिक्स बैठ जाता है फैब्रिक पे भी। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है फैब्रिक के पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए, बहुत अच्छे से काम आते हैं। नेक्स्ट है फेविक्रिल पर्ल मेटालिक कलर। ये मेटालिक कलर में जैसे कॉपर है या गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर पर्ल मेटालिक रस्ट कलर है। सो ये सारे कलर्स के रेंज है, जहाँ पे हमें चीज़ों को, आर्टिकल्स को हाईलाइट करना होता है, वहाँ पे ये सारे ग्लॉसी कलर्स यूज़ होते हैं। इसे पर्ल मेटालिक कलर्स बोलते हैं। यहाँ पे 4 शेड में ये कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है नियॉन कलर्स। जैसे ये बॉक्स को ही देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें कितने ब्राइट कलर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, जो कि बहुत सारे ब्राइट कलर्स हैं। और ये पैक ऑफ 4 आता है एंड ये हम ऐसे केटल्स बनाने में भी यूज़ हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ पॉट हो, या फिर ग्लास हो, उसके ऊपर आप ग्लास बॉटल हो, आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये फैब्रिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, या एनी आर्टिकल, जैसे शूज़ पे कुछ करना है काम, तो उस पे भी आप ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कोई दूसरी पेंटिंग भी बनानी हो जो ब्राइट हो, तो उसमें भी आप ये नियॉन कलर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्ल कलर्स। पर्ल कलर्स 6 शेड में आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड सिल्वर। ये भी ग्लॉसी होते हैं, बहुत सारे कलर्स इसमें, सब कलर जो है ग्लॉसी होते हैं, जो हम जहाँ जहाँ पे आर्टिकल में हमें ग्लॉसी दिखाना है या हाइलाइटेड दिखाना है, तो हम ये पर्ल कलर यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली जब दिवाली होती है, तो दिवाली के डेकोरेशन के लिए जब हम दिया बनाते हैं या कुछ भी पॉट पेंट करते हैं, तो ये पर्ल मेटालिक कलर्स बहुत अच्छे से यूज होते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट एक्रेलिक पॉरिंग किट। यहाँ पे हमें 3 कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ये रेड कलर है, येलो कलर है एंड ब्लैक कलर है। उसके साथ साथ ये पॉरिंग मीडियम है। जब हम पॉरिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं पेंटिंग के लिए, तो ये मीडियम ज़रूरी होता है। एंड उसके साथ साथ ये सिलिकॉन ऑयल भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत अच्छा
लुक आता है, बहुत ब्राइट लुक आता है। और ये किट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत एंटिक पेंटिंग बनता है, बहुत अच्छा कैनवास आपका बन जाता है। इसमें जैसे 100 ml के कलर्स है, वैसे ही एक्रेलिक के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी 100 ml में आते हैं। जो इस एक्रेलिक कलर में 15 ml के आते हैं, वो ऐसे 100 ml में सारे कलर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट, जो बहुत दिन तक चलते हैं, मुझे बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पे नेक्स्ट कलर है ग्लास कलर्स। ग्लास कलर्स मतलब क्या कि हम ग्लास पेंटिंग हमें करना है तो हम ये ग्लास कलर्स एंड ये बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ग्लास कलर्स ग्लास पेंटिंग के बॉर्डर्स के लिए वो यूज़ होता है। जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे कलर्स हैं, हम ये सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं ग्लास पेंटिंग में। और ग्लास पेंटिंग करने के लिए हम ये OHP शीट भी यूज़ करते हैं, उससे बहुत इफ़ेक्ट अच्छा आता है। और जैसे ग्लास के लिए ये सब्स्टिट्यूट है तो हम ये OHP शीट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पैक है मोल्डेड के लिए, मोल्डेड का पैक है ये। इसमें इतने सारे पैकेट्स आते हैं, आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो सिंगल है। इस मोल्डेड से हम बहुत कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि मोल्डेड से मैंने बैलरीना बनाई है, मोल्डेड से मैंने कीचेन्स बनाए हैं, और मोल्डेड से बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं, या फिर जो भी है बच्चों के खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें हम ये मोल्डेड से बना सकते हैं। इसमें रेजिन एंड हार्डनर ऐसे दो अलग अलग स्ट्रिप्स है, उन दोनों को मिला के हमें मोल्डेड से बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें हमें बनानी रहती है, और उसके बाद हम उसे डिफरेंट कलर से हम पेंट कर सकते हैं। ये सारी पेंटिंग होने के बाद हमें बहुत जो यूज़फुल है वो है मॉड पॉज। वो क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत ग्लॉसी इफ़ेक्ट आता है, एंड डस्ट एंड धूल से हमें बहुत इजीली हम उसे वॉश आउट कर सकते हैं। इसलिए ये मॉड पॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है फेविक्रिल के प्रोडक्ट्स में। देन फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू किस लिए है? हमें कोई भी, सिर्फ फैब्रिक के लिए नहीं, बट हमें कोई भी स्टिकिंग का काम करना है, या फिर कोई कुंदन वगैरह जो होता है या स्टोन्स होते हैं वो चिपकाने हैं, तो ये परमानेंटली चिपक जाते हैं। इतना ये अच्छा प्रोडक्ट है, और हर चीज़ में आर्ट एंड क्राफ्ट में ये यूज़ होता है। सेम वैसे ही फेविकॉल A+ है, ये भी वही काम करता है जो चिपकाने का है, बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट में यूज़ होता है। और ये तो हमारे हर एक के घर में ये रहता ही है फेविकॉल MR, हर चीज़ जोड़ने के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं। ये है फैब्रिक पेंटिंग के लिए लगने वाला रिंग। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से हम प्रॉपरली पेंटिंग कर सकते हैं। इससे वो बहुत स्ट्रेट बैठ जाता है अच्छे से कपड़ा, तो उसके ऊपर हम अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। ये भी मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ हर फैब्रिक पेंटिंग के लिए। ये सारी है फेविक्रिल की 3D आउटलाइनर्स, जो ग्लिटरी भी है एंड नॉर्मल भी है। ग्लिटरी मतलब इसमें एकदम ग्लॉस है, जो सिल्वर एंड गोल्डन, या फिर और डिफरेंट जो भी कलर्स आपको चाहिए उसमें भी ये आते हैं। ये 3D आउटलाइनर्स ग्लिटर्स है, ये भी फैब्रिक पे यूज़ होता है, पेंटिंग में यूज़ होता है, कोई भी आर्टिकल में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या बॉर्डर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ये 3D आउटलाइनर्स, जो ग्लॉसी नहीं है बट कलरफुल है, ये भी बॉर्डर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, या फिर हमें ब्लू पॉटरी बनाना है आर्टिकल, तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये यूज़ होता है। ये सारे फाइन आर्ट ब्रशेस है, बहुत अच्छे फ्लैट ब्रश है, राउंड ब्रश है, 0-1 नंबर साइज, 6 नंबर साइज, ऐसे हर एक टाइप के ब्रश आते हैं, जो फेविक्रिल के फाइन आर्ट कंपनी के है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
ये मास्किंग टेप है, इससे हमें पेंटिंग में बहुत यूज़ होता है कॉर्नर्स को लगाने के लिए, या फिर हमें अगर पेंटिंग करते टाइम डिवाइड करना है तो हम डिवाइड के लिए करने के लिए भी ये मास्किंग टेप यूज़ करते हैं। ये स्पॉन्ज है, हमें अगर डैबिंग टेक्निक यूज़ करना है या फिर कई कई बार ब्रश नहीं यूज़ करना है तो स्पॉन्ज का इतना टुकड़ा निकाल के हम उसे डैब करके यूज़ कर सकते हैं। ये रबर बैंड्स है जो फैब्रिक में टाई एंड डाई करने के लिए, हम जब टाई करते हैं तो ये रबर्स काफ़ी यूज़ होते हैं, बहुत इजीली हम उसे टाई कर सकते हैं। ये ट्रेसिंग पेपर्स है जो हर एक डिफरेंट कलर के हैं, जैसा आपका बेस होगा वैसे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेकोपेज का टिश्यू पेपर है, इसे नॉर्मल टिश्यू पेपर नहीं बोला जाता, इसको डेकोपेज बोला जाता है, जो हम बहुत सारे आर्टिकल में यूज़ करते हैं, जैसे बॉटल आर्ट हो या फिर टी कोस्टर्स हो, उसमें हम ये डेकोपेज टिश्यू यूज़ करते हैं। ये गोधड़ी थ्रेड है, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर टाई एंड डाई में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुतरी मैं यूज़ करती हूँ ताकि बॉटल आर्ट के कॉर्नर में, टॉप में हमें अगर कुछ काम करना है या फिर उसे कुछ क्रिएटिव बनाना है तो ये सुतरी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ये जैसे बॉक्स देख रहे हैं आप, ये भी एंटिक बॉक्स हो सकता है, अगर हम इसके ऊपर कुछ डेकोरेट करें या फिर ये सारे कलर्स को यूज़ करके, कुंदन को यूज़ करके, ये स्टिक ग्लू, फैब्रिक ग्लू यूज़ करके हम इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं फैब्रिक पे करवाती हूँ, तो ये पॉपलिन क्लॉथ है, इसके ऊपर आप कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, फैब्रिक कलर्स यूज़ करके भी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है फैब्रिक पे। जैसे कि फाइन आर्ट का मैं बोर्ड यूज़ करती हूँ, तो ये कैनवास बोर्ड है जो फेविक्रिल का है, तो ये बहुत अच्छा बोर्ड है, इसमें बहुत अच्छा पेंटिंग होता है, नाइस स्ट्रक्चर आता है, एकदम अच्छा स्ट्रक्चर आता है, तो ये बोर्ड मैं यूज़ करती हूँ। एंड इसके सिवा अगर कैनवास नहीं यूज़ करना है तो ये MDF बोर्ड है जो हर शेप में, हर छोटे बड़े साइज़ में हमें मिलता है, वैसे आप कोई भी साइज़ में कैनवास बोर्ड और MDF बोर्ड आप खरीद सकते हो और उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको मेरे बनाए हुए आर्टिकल्स बताती हूँ जो फेविक्रिल एक्रेलिक कलर से मैंने बनाया है, जैसे कि ये छोटे कैनवास पे मैंने बनाया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स है तो अच्छा दिखता भी है, बच्चों को भी सिखाना है तो बहुत अच्छे से वो सीख जाते हैं, ऐसा ये एक्रेलिक कलर से बनाया हुआ है। वैसा ही सेम एक्रेलिक कलर से मैंने और एक छोटे बोर्ड पे ये वाटरमेलन बनाया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके बाद एक्रेलिक कलर से मैंने ये सौरा आर्ट बनाया है, जिसमें मैंने फाइन आर्ट कैनवास यूज़ किया है, फाइन आर्ट ब्रश यूज़ किया है, फाइन 0 नंबर 1 नंबर का, एंड सिर्फ एक्रेलिक वाइट कलर से मैंने ये पेंटिंग बनाई है। वैसा ही बड़ा कैनवास यूज़ करके मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ किए हैं फेविक्रिल के, तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ब्राइट है, बड़ा है, बड़ा कैनवास यूज़ किया, तो हम होम डेकोर के लिए ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लास पेंटिंग के लिए, जैसे कि ग्लास कलर यूज़ करके मैंने ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने ग्लास कलर्स एंड ये जो गोल्ड ग्लिटर है वो यूज़ किया है, एंड ग्लास कलर्स यूज़ करके मैंने ये ग्लास पेंटिंग बनाई है, और मैंने इसमें OHP शीट यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे OHP शीट है, मैंने ग्लास मिरर यूज़ नहीं किया है। वैसे ही सेम हम मोल्डेड यूज़ करके बहुत अच्छा पेंट कर सकते हैं मोल्डेड से, जैसे कि मैंने ये बैलरीना बनाया है, तो सिर्फ मैंने ये मोल्डेड एंड एक्रेलिक कलर्स एंड पर्ल मेटालिक कलर एंड ग्लिटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ये बैलरीना बनाया है, एंड उसके ऊपर मैंने हर एक पेंटिंग के ऊपर मैंने मॉड पॉज यूज़ किया है,
ताकि ये ग्लॉसी इफेक्ट दिख सके। उसके बाद मैंने मोल्डिट यूज करके एंड मिरर्स यूज करके ये लिप्पन आर्ट बनाया है। इसमें सिर्फ फाइन आर्ट कैनवास एंड लिप्पन आर्ट के लिए मोल्डिट की ज़रूरत होती है एंड मिरर्स की होती है, तो मैंने सिर्फ ये दोनों ही यूज़ करके ये लिप्पन आर्ट बनाया है। नेक्स्ट मैंने ये ब्लू पॉटरी बनाई है। इसमें मैंने सिर्फ लिक्विड एम्ब्रॉयडरी या 3D आउटलाइनर ब्लू यूज़ किया है एंड ब्लू कलर का ग्लास कलर यूज़ किया है एंड वाइट कलर की लिक्विड एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है और उससे मैंने ये वाइट डिश बनाई है जिसे ब्लू पॉटरी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बस हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करके। सो ये है ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट और एक आर्ट है जो मेरी मॉम ने बनाया है, ये पिकॉक बनाया है उन्होंने। यहाँ पे ये MDF यूज़ किया है, वुडन एंड फेविक्रिल के कलर्स यूज़ किए हैं, पर्ल कलर्स है ये। जैसे मैंने आपको बोला था दिवाली के टाइम में डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे ये पर्ल कलर्स उन्होंने यूज़ किया है एंड ब्लू कलर ग्रीन कलर यूज़ किया है एंड बहुत सारे डिफरेंट कुंदन्स यूज़ किए हैं, स्टोन्स यूज़ किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लेस है, स्टोन की लेस यूज़ की है, छोटे छोटे स्टोन्स यूज़ किए हैं और ये सब उन्होंने फेविक्रिल का मटेरियल यूज़ करके बनाया है एंड फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है ये सब स्टिक करने के लिए। ये इतना अच्छे से स्टिक हो गया है कि ये मैंने इतने ज़ोर से हाथ लगाया तो भी वो नहीं निकल रहा है। इतना ब्यूटीफुल आर्ट हम फेविक्रिल के प्रोडक्ट यूज़ करके हम बना सकते हैं। ये पॉरिंग किट यूज़ करके मैंने ये लेडी बनाई है जिसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ब्राइट भी दिखता है, कलरफुल दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। सो ये वो सिलिकॉन एंड पॉरिंग मीडियम से ये वाइब्रेंट लुक आ जाता है, ठीक है। ये पॉरिंग किट से बनाया हुआ आर्ट है। उसके बाद मैंने सिर्फ 3D आउटलाइनर यूज़ करके ये डूडलिंग आर्ट बनाया है जो काफ़ी अच्छा लगता है। ये ब्लैक बॉर्डर्स 3D आउटलाइन के मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे सब बॉर्डर्स करने के लिए एंड उसके बाद मैंने एक्रेलिक कलर से पेंटिंग किया है और मैंने फाइन आर्ट ब्रश एंड फाइन आर्ट का कैनवास बोर्ड मैंने यूज़ किया है। सेम ऐसे ही मैंने ये तलवेरा आर्ट बनाया है ग्लास कलर से एंड 3D आउटलाइनर से, ब्लू कलर से एंड वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे बॉटल आर्ट्स बनाए हैं जो ग्लास बॉटल यूज़ करके मैंने बनाया है, उसके ऊपर एक्रेलिक कलर्स मैंने लगाए हैं। छोटे बड़े कौन से भी साइज़ में आप ऐसे बना सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल है और ये कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है, मॉड पॉश से पूरा फिक्स हो जाता है कलर, तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसके बाद मैंने ये पॉट बनाया है, वार्ली पेंटिंग बनाया है इस पर और मैंने एक्रेलिक कलर एंड पर्ल मेटालिक कलर ऐसे यूज़ किया है इसमें। इसमें नियॉन कलर जो ब्राइटनेस के लिए है, यहाँ पे जैसे वार्ली मैंने सेम बनाया है, नियॉन कलर्स भी यूज़ किए हैं मैंने, पर्ल मेटालिक यूज़ किया है, पर्ल कलर यूज़ किए हैं, गोल्डन कलर यूज़ किया है, सारा जो भी अवेलेबल होता है वो सारे चीज़ें यूज़ करके कुछ ना कुछ तो हमेशा मैं आपको नया नया सिखाती रहती हूँ। तो आपको भी अगर आपके पास कलर्स ये होंगे सारे तो आपको भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। जैसे कि ये मैंने इससे बनाया है, डेकोपेज से ये टी कोस्टर्स बनाया है, तो ये भी बहुत अच्छे दिखते हैं और फिक्स हो जाता है। इसको वॉश करने की भी
मतलब जरूरत नहीं होती, इतना ये स्मूथ एंड अच्छे से शाइनिंग कर रहा है, ग्लॉसी कर ग्लॉस दिख रहा है इसमें, ये भी हम यूज कर सकते हैं हर चीज में। ये भी मैंने टी कोस्टर बनाया है एक्रेलिक कलर से एंड स्टेंसिल यूज किया है, जो फेविक्रिल के स्टेंसिल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं डिजाइनिंग के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। मैंने फैब्रिक कलर्स यूज करके ये मेरी बेटी की बहुत अच्छी टी शर्ट बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट कैट निकाले है यहाँ पे, और मैंने सिर्फ फैब्रिक कलर्स यहाँ पे अच्छे से यूज किए हैं एंड इसको वॉश भी किया है, तो भी ये कलर्स बिल्कुल भी फेड नहीं होते एंड बहुत अच्छे से फिक्स बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फेविक्रिल का, फैब्रिक कलर्स का। उसके बाद मैंने यूज किया है ग्लिटर 3D आउटलाइनर्स, ओके, जो भी ये गोल्ड ग्लिटर है मैंने ये यूज किया है, ये अच्छा सा बटरफ्लाई बनाने के लिए, इससे बहुत अच्छा लुक आया है ये फ्रॉक को एंड ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। एक बार ये ड्राई होने के बाद पूरे अच्छी तरह से ये देखो ऐसे फिक्स बैठ जाता है, जो बिल्कुल भी ट्राई करने के बाद भी ये नहीं निकलता है। यहाँ पे मैंने स्टेंसिल यूज़ किया था फेविक्रिल का एंड स्टेंसिल यूज़ करके मैंने सिर्फ ये ग्लिटर यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे किया है रिवर्स एप्लिक, मतलब यहाँ पे मैंने दूसरा क्लॉथ लिया है जो केसमेंट क्लॉथ है, वहाँ पे मैंने कटिंग किया है, बटरफ्लाई का शेप दिया है, उसके बाद उसे सिल्वर ग्लिटर 3D आउटलाइनर यूज़ करके मैंने डिज़ाइनिंग किया है एंड इस फ्रॉक के ऊपर मैंने नीचे फैब्रिक कलर्स यूज़ करके बटरफ्लाई पेंट किया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे येलो दिख रहा है, ग्रीन ब्लू दिख रहा है, और फिर मैंने वो केसमेंट क्लॉथ कट करके मैंने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट किया है, तो इतना अच्छा वो डिफरेंट लुक दे रहा है फ्रॉक को, बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने किया है टी शर्ट पे स्प्रे पेंटिंग किया है, यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक कलर ब्लैक यूज किया है, देन उसके बाद व्हाइट कलर का 3D आउटलाइनिंग से मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, जिससे ये बहुत प्रॉपरली फिक्स हो गया एंड निकलता भी नहीं है, सो ये भी बहुत अच्छा यूज है। ऐसे फैब्रिक कलर्स के भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मैंने फैब्रिक पे बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करके बहुत सारे टाइप के मैंने आर्टिकल्स बनाए हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिले इस वीडियो से एंड आप भी ये सारी चीज़ें खरीद कर बहुत अच्छे अच्छे नए नए आर्टिकल्स बनाइएगा एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, आपको जो भी सेशंस चाहिए कि आप मैं ये सिखाऊं या आपको कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे पूछिएगा, मैं आपकी सारे क्वेरीज ऐसे ही सॉल्व करती रहूँगी एंड ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।